अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं है, चली जाओ वापस। और वैसे भी मेरा प्लान नहीं था, तो अपनी मर्जी से आई है। तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है? मैंने तो वैसे ही एक बात कर दी, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, सच बोलता हूँ, तो तुम्हें यही बुरा लगता है। चल बैठो यहाँ। ऐसे अकेले कमरे में बैठे बैठे तो बीमार हो जाओगी। यहाँ बच्चों के साथ बैठो, हंसो, बोलो, हम सब तुम्हारे अपने ही तो हैं। आपको इसको मेरे साथ ही बिठाना था। क्या हो गया है नताशा? एक तो बीमार, दूसरा शादी होते ही बेवा हो गई। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है नताशा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और इसकी नहुसत से छोड़े। इस कदर फजूल बात करके गई है? छोड़े दादू आप, ये हमेशा ऐसे ही करती है। पता नहीं इस लड़की में इतना गुरूर कहां से आ गया। बाबा प्लीज, मैं नताशा की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दो उसे। बस बेटा, लोगों की बातों का इस तरह बुरा नहीं मानते, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और हर शख्स अपने जर्व के मुताबिक बात करता है। तुम्हारी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाबा प्लीज खुद को संभालो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। दादू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नताशा हमेशा ऐसी फजूल बातें करती है। ये हुई ना बात, मैंने हमेशा भाइयों की बातें मानती, तू मेरी बहुत प्यारी बहन। बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है? मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा जो तुम लड़ने आ गई, मगर एक मजबूर लड़की को तो कहा है ना, न जाने वो किस मजबूरी के तहत यहाँ रह रहे हैं। ओह प्लीज, मेरा मजीद मूड खराब मत करो, पहले ही बहुत मूड खराब है जुहैर की वजह से। न जाने तुम कब बदलोगे। हेलो गर्ल्स, मैं आउटिंग पे बाहर जा रहा हूँ, किसी को साथ चलना है तो चले, शाम तक घर वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मोस्ट वेलकम। नताशा तुम हमारे साथ चल रही हो? नो थैंक्स, मुझे फजूल में सड़कें नापने का शौक नहीं है। थैंक यू सो मच ना चलने के लिए, मुझे भी फजूल कंपनी में मजा ही नहीं आता मोहतरमा। ठीक है बाबा, चले। प्लीज आफ्टर यू। Hey, तुमने इस जंगली बिल्ली को क्यों इनवाइट कर लिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो इस खूबसूरत वादियों में हम एक साथ टाइम स्पेंड करना चाह। लाओ, वो जंगली बिल्ली नहीं, मेरी बहन है। पागल। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने कब इनकार किया कि तुम्हारी बहन नहीं है। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो किसी को भी इन्वाइट नहीं करना, स्पेशली इस जंगली बिल्ली को तो बिल्कुल भी नहीं। दिशा, कभी तो कोई अच्छी बात करिए अगर उसके बारे में, हमेशा मेरी बहन की बुराई।